सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म इस सीरीज का यह 19वां एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम गया में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन मनन और अध्ययन करते हैं कि संसार में या वर्ग संघर्ष है, तो इस वर्ग संघर्ष को कैसे समाप्त किया जा सकता है। चार सप्ताह तक अध्ययन करने के बाद अंततः उन्हें बुद्धि प्राप्त होती है, उन्हें वो मार्ग पता चल जाता है। तो ये जो ज्ञान तथागत बुद्ध को प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद तथागत बुद्ध ने आगे क्या किया, तो इसको हम आज की इस एपिसोड में जानने समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन है, वहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो तथागत बुद्ध ने क्या किया, अगर इसे एक लाइन में कहा जाए तो तथागत बुद्ध ने व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया या व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया। अब व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर कैसे तथागत बुद्ध ने व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया। तो हमें अगर व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन बुद्ध द्वारा चलाया गया है उसे समझना है तो पहले हमें इस बात को समझना होगा कि व्यवस्था परिवर्तन आखिर होता क्या है। तो व्यवस्था परिवर्तन को समझने के लिए हमें तीन बातों को समझना होगा। पहला है व्यवस्था क्या है, दूसरा है प्रस्थापित व्यवस्था क्या होती है या व्यवस्था को प्रस्थापित कैसे किया जाता है, और तीसरा है व्यवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाता है। ये तीन बातों को हमको समझना होगा। तो पहली बात है कि व्यवस्था क्या होती है। तो अगर व्यवस्था क्या होती है, इसकी अगर एक सिंपल डेफिनेशन बनाई जाए तो डेफिनेशन इस प्रकार है कि बहुसंख्यक समाज या आम जनता जिस निश्चित मान्यता प्राप्त नियमों या संस्कारों के आधार पर संचालित होती है उसे व्यवस्था कहते हैं। मतलब जो बहुसंख्यक समाज है, आम जनता है, वो कुछ निश्चित नियमों और संस्कारों के आधार पर संचालित होती है, उसे ही व्यवस्था कहते हैं। अगर इसे और सरल भाषा में समझा जाए तो किसी देश की जो आम जनता है या बहुसंख्यक समाज है, वो उस देश में कुछ नियमों को मान्यता देता है, आम जनता उन नियमों को मान्यता देती है, समाज में जो संस्कार है उन संस्कारों को आम जनता या बहुसंख्यक समाज मान्यता देता है, और उसके आधार पर, नियमों और संस्कारों के आधार पर वो अपना आचरण करता है, अपना व्यवहार करता है और उस हिसाब से अपनी जिंदगी जीता है, तो उसे ही व्यवस्था कहते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है तो ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट होने पर हमें रुकना चाहिए और हरी होने पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक नियम है और उस नियम के अनुसार आम जनता संचालित हो रही है। क्यों संचालित हो रही है, क्योंकि आम जनता ने उस नियम को मान्यता दी, तो मान्यता देने के कारण वो आम जनता उसको फॉलो कर रही है, संचालित हो रही है। तो ये एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को चूंकि बहुसंख्यक समाज ने, आम जनता ने मान्यता दी, इसलिए उस वो व्यवस्था चल रही है। तो इसे ही कहते हैं व्यवस्था का होना या व्यवस्था क्या होती है उसका ये सही जवाब। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं कि आखिर व्यवस्था प्रस्थापित कैसे होती है। तो जब बहुसंख्यक समाज में किसी निश्चित विचारधारा का या कोई व्यवस्था जिसको हम प्रस्थापित करना चाहते हैं, उस विचारधारा का समाज में, बहुसंख्यक समाज में निरंतर प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार किया जाता है, इससे होता यह है कि जो उस देश की आम जनता है, आम नागरिक है, बहुसंख्यक समाज है, वो उस निश्चित विचारधारा के समर्थन में खड़ा हो जाता है या उसका मन मस्तिष्क उस व्यवस्था की विचारधारा के समर्थन में तैयार हो जाता है, अनुकूल होता है। तो जब उस व्यवस्था की विचारधारा के अनुकूल उस देश की आम जनता, बहुसंख्यक समाज
अनुकूल हो जाता है तो तब वो व्यवस्था समाज में प्रस्थापित होती है, क्योंकि अधिकांश जनता, उस देश की अधिकांश जनता उस व्यवस्था के समर्थन में खड़ी हो जाती है। तो इसे ही व्यवस्था प्रस्थापित करना कहते हैं। अब दूसरा एक उदाहरण से समझते हैं कि जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले एक ब्राह्मण की शादी में जाते हैं और वहां से उन्हें अपमानित करके भगा दिया जाता है, तो तब ज्योतिराव फुले बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और अपना अपमान जो है वो महसूस करते हैं और उस अपमान की ज्वाला में वो जल रहे होते हैं। तो ज्योतिराव फुले जब अपमानित होकर गुस्से से जा रहे होते हैं, तब रस्ते में एक व्यक्ति उन्हें मिलता है जो कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत वर्ग से आता है। उसके गले में मटका और कमर में झाड़ू बंधा हुआ होता है। तो वो व्यक्ति ज्योतिराव फुले की ओर देखकर हंसता है और जब हंसता है तो ज्योतिराव फुले उनसे कहते हैं कि मुझे तो उस शादी में से केवल अपमानित करके भगाया, लेकिन तुम्हारे तो गले में मटका और कमर में झाड़ू लगी हुई है, फिर भी तुमको कोई अपमान महसूस नहीं हो रहा है। तो वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति ज्योतिराव फुले से कहता है कि आपको अगर अपमानित करके भगा दिया है तो इसमें आपकी गलती है, आपने ब्राह्मणों की शादी में जाना ही नहीं चाहिए था। तो आगे वो व्यक्ति कहता है कि चूंकि ब्राह्मण ऊंचे लोग हैं और हम लोग शूद्र और अछूत नीचे कौम के लोग हैं, ब्राह्मण मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ लोग है, तो उनकी शादी में आपको जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो घटना हुई या ये जो डायलॉग हुआ, तो उससे समझ में आता है कि वो जो अछूत वर्ण का व्यक्ति है उसने ब्राह्मण को श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इस विचार को उसने मान्यता दी थी और मान्यता दी इसलिए वो व्यवस्था प्रस्थापित हुई और प्रस्थापित होकर वो कंटिन्यू चल रही होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने, लोगों ने इस बात को मान्यता दी कि ब्राह्मण मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस तरह जो प्रस्थापित व्यवस्था है, वो प्रस्थापित व्यवस्था क्या है या व्यवस्था को प्रस्थापित कैसे किया जाता है? तो आम जनता जिस विचार को मान्यता देती है और उसके अनुसार वो आचरण करती है, वो जो अछूत वर्ग का व्यक्ति है वो केवल मान्यता नहीं देता है, मान्यता देने का मतलब वो आचरण भी वैसा ही करता है। इसलिए वो ज्योतिराव फुले से कह रहा है कि आपकी गलती है, आपने ब्राह्मणों की शादी में नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब उस विचार को मान्यता दे रहा है और उसके अनुसार अपना आचरण भी कर रहा है, तब तो वो व्यवस्था चल रही है। तो ये प्रस्थापित व्यवस्था होती है या व्यवस्था को प्रस्थापित करना होता है। अब थर्ड चीज है कि व्यवस्था में परिवर्तन करना। अब व्यवस्था में परिवर्तन करना क्या है, इसे हम समझते हैं। तो जो प्रस्थापित व्यवस्था होती है उस प्रस्थापित व्यवस्था के विरोध में लोगों का जनमत तैयार करना होता है। तो प्रस्थापित व्यवस्था के विरोध में जब लोगों का जनमत तैयार किया जाता है और आम जनता, बहुसंख्यक समाज प्रस्थापित व्यवस्था के विरोध में खड़ा होता है, तब वो प्रस्थापित व्यवस्था के खिलाफ में विद्रोह खड़ा कर देता है और उसके बदले में एक वैकल्पिक व्यवस्था जिसको बहुसंख्यक समाज मान्यता देना चाहता है उस वैकल्पिक व्यवस्था के समर्थन में खड़ा करना होता है। तो जो प्रस्थापित व्यवस्था है उसके विरोध में लोगों का जनमत बनाना होता है और जो वैकल्पिक व्यवस्था है कि बिना व्यवस्था के समाज तो चलेगा नहीं, तो प्रस्थापित व्यवस्था के विरोध में समाज को तैयार करना और वैकल्पिक व्यवस्था समाज को देना, इसे ही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। यानी जो प्रस्थापित व्यवस्था है उसको हटाकर एक नई व्यवस्था का निर्माण करना, उसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। तो ये करने की जो प्रक्रिया है ये भी वैचारिक परिवर्तन से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि प्रस्थापित व्यवस्था के विरोध में समाज को तैयार करना होता है। तो अब प्रस्थापित व्यवस्था के विरोध में जब समाज को तैयार किया जाएगा तो उसे ही व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन कहा जाता है और फिर नई व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। तो उन्होंने उस समय जो वर्ण व्यवस्था, वर्णों के आधार पर जो समाज संचालित हो रहा था, वर्णों के आधार पर जो संस्कार बनाए गए थे, उन संस्कारों के अनुसार समाज संचालित हो रहा था,
समाज वर्ण व्यवस्था को मान्यता दे रहा था, कुछ कई हद तक मान्यता दे दी थी, और उस वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में वर्ण संघर्ष होता था, और इस वर्ण संघर्ष की वजह से समाज में दुख फैला हुआ था। तो इस दुख को समाप्त करने का रास्ता ये था कि दुख का निर्माण या दुख का जो मूल कारण है वो वर्ण व्यवस्था था, तो वर्ण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करना, ये इसका समाधान था। तो तथागत बुद्ध ने वर्ण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करने का अभियान चलाया ज्ञान प्राप्त होने के बाद। हमारे आज के भी बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों ने इस बात को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि बुद्ध ने आखिर किया क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद। बहुत सारी इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन मौलिक बात, बुद्ध के नाम पर बहुत सारी बातें बताई जाती है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या किया, जिसको जैसा समझ में आता है उस हिसाब से बताते रहते। लेकिन मौलिक जो काम है, मौलिक काम यह था कि तथागत बुद्ध ने वर्ण पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करने का अभियान चलाया। वो कैसे, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो तथागत बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाले प्रत्येक सिद्धांत का विरोध किया। अब तथागत बुद्ध ने कैसे किया, पहला उन्होंने वेदों का विरोध किया, वेदों में वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया है, तो और ब्राह्मणों ने कहा कि वेद जो है ईश्वर ने लिखे हुए हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है, इसलिए वेदों को जब ईश्वर ने लिखा और उन वेदों में वर्ण व्यवस्था है, तो लोगों ने उस ईश्वर का जो ऑर्डर है या उसकी जो आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये ब्राह्मणों ने समझाया, समाज में प्रचार किया था। लोगों ने जब उन वेदों को मान्यता दी, तो मान्यता देने के कारण वर्ण व्यवस्था को समाज में प्रस्थापित करने में ब्राह्मण कामयाब हो गए। तो उस वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने का निरंतर कार्य ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा था। अब बुद्ध को समाज में दुख समाप्त करना था, और दुख का मूल कारण वर्ण व्यवस्था था, और वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट वेदों में है, तो वेदों का विरोध करना होगा। वेदों को संशय रहित समझना कोई समझदारी की बात नहीं, ये तथागत बुद्ध ने कहा। तो बुद्ध ने क्या किया, वेदों के विरोध में अभियान चलाया, वेदों के विरोध में उनके बहुत सारे प्रवचन हैं। दूसरा, जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट ब्राह्मणों ने रखा, वो ईश्वर का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा कि ईश्वर ने तुमको आज्ञा दी है, चाहे तुम्हारे भले के लिए हो चाहे नहीं हो, लेकिन ईश्वर की आज्ञा है इसलिए तुम्हें पालन करना होगा, तो वर्ण व्यवस्था का पालन करना होगा, इसके लिए उन्होंने ईश्वर का कॉन्सेप्ट लाया। तथागत बुद्ध ने ईश्वर का विरोध किया, उन्होंने अनिश्वरवाद या ईश्वर के विरोध में प्रवचन दिए, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तथागत बुद्ध ने किया। तीसरा, तथागत बुद्ध ने आत्मा के विरोध में बात कही, क्योंकि ये जो आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है ये भी वर्ण व्यवस्था के समर्थन में है। आत्मा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ये वर्ण व्यवस्था के कारण आम जनता बहुसंख्यक समाज दुखी था। अब जो आम समाज है, बहुसंख्यक समाज दुखी है, तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे कि जो ये सोचेंगे कि ये जो आपने जो व्यवस्था बनाई, हमको शूद्र बनाया, इस वजह से हम लोग दुखी है। तो उनकी इस विरोध की भावना को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आत्मा का और अगला जन्म पिछले जन्म का कॉन्सेप्ट लाया। अगला जन्म पिछले जन्म का और आत्मा का कॉन्सेप्ट लाया, तो उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में जो तुमने कुकर्म किए थे, जो गलतियां की थी, जो गलत कार्य किए थे, उसका परिणाम है कि तुम इस जन्म में शूद्र पैदा हुए। अब इस जन्म में तुम क्या करो, इस जन्म में तुम ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था के जो नियम है, जो संस्कार है, उनके अनुसार आचरण करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, तो अगले जन्म में भी तुम ब्राह्मण बन सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट किस लिए है, ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में विद्रोह निर्माण ना हो इसके लिए है। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था के समर्थन का कॉन्सेप्ट है। तो अगले जन्म और पिछले जन्म का बुद्ध ने विरोध किया। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट लाया आत्मा के माध्यम से, आत्मा का विरोध किया, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट का विरोध किया। ब्राह्मण मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, इस बात का तथागत बुद्ध ने विरोध किया। यानी तथागत बुद्ध ने उन सभी सिद्धांत संस्कार या नियमों का विरोध किया जिससे कि वर्ण व्यवस्था
प्रस्थापित हो सकती है या वर्ण व्यवस्था के समर्थन में वो सिद्धांत और नियम बनाए गए, उन सभी सिद्धांतों का तथागत बुद्ध ने विरोध किया। इसकी चर्चा हम बुद्ध लोगों ने समाज में करनी चाहिए, ये तथागत बुद्ध ने किया। तो ये पहला काम क्या किया उन्होंने, जो प्रस्थापित व्यवस्था थी यानी वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने वाले जो सिद्धांत थे, उन सभी सिद्धांतों का तथागत बुद्ध ने विरोध किया। अब चूंकि प्रस्थापित व्यवस्था का अगर विरोध कर रहे हैं तो हमको फिर वैकल्पिक व्यवस्था भी देनी होगी, तो तथागत बुद्ध ने वैकल्पिक व्यवस्था देने का काम किया। वैकल्पिक व्यवस्था क्या देने का काम किया कि तथागत बुद्ध ने समानता का प्रचार किया, भाईचारे का प्रचार किया, न्याय का प्रचार किया, बंधुता का प्रचार किया, स्वतंत्रता का प्रचार किया। तो ये जो समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय है, ये जो संस्कार है समता के, हम सभी मनुष्य समान है, ये समता का संस्कार है। और तो इस विचार का प्रचार किया ताकि लोग समता के अनुसार अपना आचरण करें। अब वर्ण व्यवस्था तो असमानता पर आधारित थी, तो असमानता पर आधारित व्यवस्था को खत्म करने का काम बुद्ध ने किया। उसके लिए वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, ब्रह्मा का विरोध किया। तो उसके बदले में नई व्यवस्था या वैकल्पिक व्यवस्था समाज को देना जरूरी था। तो समाज में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की विचारधारा का प्रचार किया। तर्क और बुद्धि के आधार पर किसी बात को स्वीकार किया जाए, इस बात का तथागत बुद्ध ने प्रचार किया। गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, वह जन्म के आधार पर है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो बुद्ध ने कहा बुद्ध ने जन्म पर आधारित जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, इसका विरोध किया और इसके विरोध में कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया कि कोई भी व्यक्ति कर्म के आधार पर, वो जैसा कार्य करता है, जैसे कर्म करता है, उसके आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ या निचले दर्जे तो नहीं कहेंगे, लेकिन श्रेष्ठ या गलत व्यक्ति कहा जाता है। तो कर्म डिसाइड करता है, वो व्यक्ति जो कर्म करता है, वो कर्म इस बात को डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो जो जन्म पर आधारित जो कॉन्सेप्ट था ब्राह्मणों का, उसको काट दिया बुद्ध ने। तो इस तरह बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने अगर सही तरीके से डिफाइन किया जाए तो बुद्ध ने अपने जीवन में दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य, उन्होंने जो प्रस्थापित व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के प्रत्येक सिद्धांत के विरोध में निरंतर प्रचार प्रसार किया ताकि आम जनता का जनमत उस वर्ण व्यवस्था के विरोध में हो, जिसे कि अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय की व्यवस्था भी कहा जा सकता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था से तो केवल मुट्ठी भर ब्राह्मणों का फायदा होता है। तो पहला, उन्होंने प्रस्तावित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। और दूसरा महत्वपूर्ण काम तथागत बुद्ध ने किया, वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना। अब अल्पजन हिताय या ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय की व्यवस्था के विरोध में जो जो भी कार्य करना पड़े, वो सारे कार्य तथागत बुद्ध ने किए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को खत्म किए बगैर आम जनता का दुख समाप्त नहीं किया जा सकता था। और संसार का दुख समाप्त करना, आम जनता का, बहुसंख्यक समाज का दुख समाप्त करना, इसी टारगेट को लेकर तो बुद्ध चले थे। तो उस वर्ण व्यवस्था के विरोध में, या अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय की व्यवस्था के विरोध में निरंतर प्रचार प्रसार करते रहे, और बहुसंख्यक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के समर्थन में जो जो आवश्यक सिद्धांत थे, उन सभी आवश्यक सिद्धांतों का समाज में प्रचार प्रसार किया गया कि जिससे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की व्यवस्था प्रस्थापित हो सके। इसलिए तथागत बुद्ध ने जो पहला ही प्रवचन दिया, जब गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां से वो सारनाथ गए और सारनाथ में उन्होंने जो पहला प्रवचन दिया, उसमें सबसे पहली उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा चरक भिक्वे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्तानु हिताय लोकानु कंपाय आदि कल्याणम मध्य कल्याणम अंत कल्याणम। इसका मतलब यह है कि तथागत बुद्ध ने कहा
कि हे भिक्खुओ, तुम निरंतर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और ऐसी विचारधारा का, ऐसे सिद्धांतों का समाज में निरंतर प्रचार करते रहो, जो कि इतिहास में भी, यानी भूतकाल, जो कि भूतकाल में भी बहुजनों के लिए कल्याणकारक थी, बहुजनों के लिए हितकारक थी, वर्तमान में भी बहुजनों के लिए कल्याणकारक और हितकारक है, और भविष्य में भी बहुजनों के लिए हितकारक और कल्याणकारक होगी। ऐसी विचारधारा का तुम समाज में निरंतर प्रचार प्रसार करते रहो। आज भी हम देखते हैं कि आज भी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की विचारधारा ही हमारे समाज का कल्याण कर सकती है। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अपना आंदोलन चलाया। अब इसके लिए जो जो आवश्यक था, भोजन हिताय, भोजन सुखाय की पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करने के लिए जो जो आवश्यक टूल्स थे, उन सभी का तथागत बुद्ध ने उपयोग किया। अब चूंकि व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन ये एक महान कार्य है, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है कि वो उस कार्य को कर ले, ये सभी के द्वारा मिलजुल कर किया गया कार्य है, तब जाके व्यवस्था परिवर्तन होता है। तो तथागत बुद्ध को ये बात समझ में आई कि केवल अकेले करने से ये मामला हल होने वाला नहीं है, इसके लिए कई हजारों लोगों की, लाखों लोगों की आवश्यकता होगी, जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की व्यवस्था के समर्थन में समाज में निरंतर प्रचार प्रसार करें। तो इसके लिए तथागत बुद्ध ने संघ का निर्माण किया, भिक्षु संघ का निर्माण किया। तो भिक्षु संघ का निर्माण उस प्रस्थापित व्यवस्था को समाप्त करना और बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करने के लिए किया गया, ये तथागत बुद्ध ने किया। तो इसी तरह जो 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 कुछ भी आवश्यक आवश्यकता पड़ी भोजन हिताय, भोजन सुखाय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करने के लिए, जिन जिन चीजों की भी आवश्यकता पड़ी, जो जो भी जरूरत पड़ी जिससे कि भोजनों के हित की व्यवस्था निर्माण हो पाए, तो उन सारे टूल्स का तथागत बुद्ध ने उपयोग किया, और उन सभी टूल्स का उपयोग किया जिससे कि अल्पजन हिताय, अल्पजन सुखाय की व्यवस्था समाप्त की जा सके। इस तरह ये बेसिकली दो महत्वपूर्ण कार्य तथागत बुद्ध ने अपने जीवन में किए। तो ये इस बात का, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध ने क्या किया, तो इसे मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि तथा निरंतर प्रचार प्रसार करने से, बुद्ध के द्वारा ये कार्य किए जाने से आखिर समाज में क्या परिवर्तन हुआ, उसका क्या परिणाम समाज पर पड़ा, इसको हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।